नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम विषय पर्यावरण कक्षा तीसरी। अब हम पाठ 8 की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। चलिए हमें यहाँ पर कुछ पक्षियों के चित्र बताए हैं, हमें उनका नाम बताना है। चलिए पहला है, सिर पर मेरे खाली जगह है, सुंदर पंखों पर नाच है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। बोलो बच्चों, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसे अपने पंखों पर नाच है। चलिए आगे, आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरी खांचे वाली, खाली जगह हूँ मैं बड़ी निराली, कौन है? तो यह चील है। चलिए आगे, हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी खाली जगह का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, खाली जगह मैं कहलाता हूँ। तो चलिए मुझे बताइए, लाल है मेरी खाली जगह का रंग, तो चोंच का रंग क्या है? लाल। और यह किसकी है? तोते की। तो ये कौन है? तोता है। चलिए आगे, काले काले खाली जगह है मेरे, काला रंग खाली रंग, गांव गांव में शोर मचाता, खाली जगह में कौन कहलाता? चलिए बताओ। चलिए, काले काले पंख है मेरे, काला मेरा रंग, काँव काँव में शोर मचाता, कौआ मैं कहलाता। ठीक है, तो ये कौन है? कौआ है। चलिए आगे आगे देखिए, कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत गाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो खाली जगह मैं कहलाती, तो कौन है ये? चलिए, मधुर गीत कौन गाती है? कोयल। चलिए चलिए आगे, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे खाली जगह में उड़ता हूँ, गीत में कहलाता हूँ। तो ऊंचे क्या करता है? आसमान में उड़ता है। ठीक है, तो इसका नाम गिद्ध है। चलिए आगे, रंग सिलोटी पंजे खाली जगह, गुटर गुकी भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, खाली जगह मैं कहलाता हूँ। तो यह कौन है? कबूतर। चलिए अब आगे, चोंचों चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हूँ जैसी सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊँ, खाली जगह चिड़िया मैं कहलाऊँ। तो चिड़िया कौन सी होती है? दर्जनी। ठीक है, चलिए आगे, पेड़ के खाली जगह में छेद बनाऊँ, उसमें छिपे कीड़ों को खाऊँ, टुक टुक करता जाता हूँ, कट फोड़वा कहलाता हूँ। तो ये क्या आएगा? पेड़ के तने में छेद कर कर कीड़ों को खाता हूँ। अब देखिए, पंजे कैसे हैं इस कबूतर के? गुलाबी। ठीक है, चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसे, उल्लू जी सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। चलिए आगे, उल्लू बोला अब बंद कर, क्यों नहीं करते यह शोरगुल, यह कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ ना कुछ खास है, हमारे पंख पैर चोंच और बोली चाहे अलग अलग है, हम सभी पक्षी हैं, सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी होती तो कितनी नीरस होती हमारी यह दुनिया।
चलिए आगे। पाठ में आए पक्षी में से तुमने किन किन की को देखा है, उनके नाम लिखो। तो यहाँ पे आपको उनके नाम लिखने हैं। अब बाहर जाकर देखो तुम कितने पक्षी देखते हैं, पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी के आसपास, झाड़ियों में कितने पक्षी दिखते हैं। आगे, पक्षियों के नाम भरो तथा सही जगह पर सही का निशान लगाओ। यदि नाम नहीं जानते तो उनकी कोई पहचान लिखो। यहाँ पर हमें लिखना है, जैसे पक्षी का नाम, पानी में, पेड़ में, जमीन पर, घर में उड़ते पक्षी। चलिए, आपने कौन कौन से पक्षियों को देखा है? तो कौवा, गौरैया, कबूतर, मोर, चील, तोता, कोयल, गिद्ध को हमने देखा है। चलिए, अब बाहर जाकर देखो तुम्हें कितने पक्षी दिखते हैं, पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी में, उसके आसपास, झाड़ियों में। चलिए, पेड़ पर 10, पानी में 8, जमीन पर 7, झाड़ियों में 5। चलिए अब आगे। अब हमें यहाँ पे पक्षियों के नाम बताए गए हैं, तो हमने पहले क्या लिखा, कौवा, कबूतर, बत्तख, सारस, तोता, मुर्गी, गिद्ध, तो उनका निशान लगाना है। तो कौवा हमें कहाँ दिखता है, पेड़ पर और उड़ते हुए, कबूतर पेड़ पर, जमीन पर, घर में उड़ते हुए, बत्तख हमें पानी में, सारस हमें पानी में और पेड़ पर। उसके बाद हमें बताया गया तोता पेड़ पर और उड़ते हुए, उसके बाद बोला है मुर्गी जमीन पर और घर में, उसके बाद बोला है गिद्ध, तो गिद्ध हमें जमीन पर दिखता है। ठीक है, इस तरीके से आपको किताब में लिखना है। चलिए, तुमने कभी ध्यान दिया कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है? नीचे कुछ पक्षी की चोंच के चित्र, उनको ध्यान से देखो, पहचानो ये किन पक्षी की चोंच है, नीचे है उनके नाम लिखो, और अगले पृष्ठ पर खाली खाने में है किसी अन्य पक्षी की चोंच बनाओ और उसमें रंग भरो, उस पक्षी का नाम लिखो। चलिए चलिए, तो पहली जो चोंच है वो किसकी है, तोते की, दूसरी कौवे की, तीसरी मोर की, फिर चील की और बगुले की है, किसी और पक्षी की चोंच बनाओ। यहाँ पे आपको बनानी है, जैसे तोता, कौवा, उसके बाद मोर, इस तरीके से आपको यहाँ लिखकर बनाना है। चलिए आगे देखो, पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती है, उतना ही अलग अलग तरह का उनका भोजन है। पक्षी तरह तरह की चोंच चीज़ें खाते हैं अपनी चोंच के द्वारा, कोई फल खाता है, कोई बीज खाता है, कोई कीड़े मकोड़े, तो कोई मछली खाता है, नीचे उन्हें जोड़ी है। चलिए अब हम इन्हें जोड़ते हैं। चलिए, हमें यहाँ पर जोड़े मिलाने हैं, तो पहला दूसरे के साथ, दूसरा चौथे के साथ, तीसरा पांचवे के साथ, उसके बाद चौथा पहले के साथ, और ये इसके साथ, इस तरीके से आपको जोड़े मिलाने हैं। ठीक है,